सर उठा के वही जी सकता है जो नुकसान उठा सकता है। बेयकीनी के आलम में जिंदा रहने वाले लम्हे गंवाते हैं और सिक्के गिनते हैं। यकीन में रहने वाले लोग सिक्के गंवाते हैं और एक माशरे की खुदी को परवान चढ़ाते हैं। अगर मेरा कोई नुकसान है तो किसी का फायदा जरूर होगा, मगर अब हमारी जिंदगी में वो किसी राय नहीं, हम नहीं सोचते, तो अजीब लोग हैं। मेरे सामने चांदियो साहब बैठे हैं और मैं गुस्ताखी कर रही हूँ, उसकी पहले से माजरत चाह रही थी। सियासत हमारे लिए एक ऐसा वसीला बन गया जिससे बगैर किसी माजरत के दूसरे को जलील किया जा सके। हतके जात ताकत वाले की तौकीर जात हो गई। और उसमें हुआ ये, मैंने कहा था ना, हम रुस्वा तो खूब हुए मगर हमें पहचाना किसी ने नहीं। रुस्वाई में पहचान नहीं होती, रुस्वाई में पहचान नहीं होती, लिफाफे चाहे कितने ही भारी क्यों ना। दूसरी एक गुजारिश मेरे पास आपसे यह है कि हमारे पास इज्जत का भी एक बड़ा मस्खुशुदा तसव्वुर है। वैसे हम पंजाबी तो बहुत मज़े में हैं, हमारी कभी इज्जत ख़राब नहीं हुई, हम हमेशा बेइज्जती ख़राब करते हैं। पंजाबी मुहावरे में बेइज्जती ख़राब, आप सोचिए तो एक पूरे जहन की नफ्सियाती कैफियत आपके सामने आती है। इज्जत को जाना ही नहीं तो ख़राब कैसे होगी, बेइज्जती को जाना है, परखा है, रोज नसीब में होती है तो वो ख़राब भी होती है। तहजीब की जो नस्बत है वो पहले रवैये में होती है और फिर अमल में आती है। रवैये गैर महज़ब रहें तो मैं आप और जनाब जितना मर्जी करती रहूं, आपकी इज्जत नहीं कर पाऊंगी, आपकी इज्जत नहीं कर पाऊंगी। वो माशरे का सलीका हो या हुकूमत का करीना हो, एक दफ़ा रवैयों को कुछ न कुछ बदलना है। अकीदा हो, नस्ल हो, ज़बान हो, तहजीब हो, ज़ात हो, अगर अपना एहतराम खुद नहीं कर सकती तो दूसरे का एहतराम भी नहीं कर सकते। दूसरों की इज्जत सिर्फ वो करते हैं जो अपनी इज्जत कर सकते हैं। और माशाल्लाह हम इस कदर तरक्की याफ्ता कौम है, जवाब दे तो कमज़ोर लोग होते हैं, मजबूत लोगों ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। और वैसे भी हमारी तहजीब में जवाब देना गुस्ताखी है, तो इस तहजीब से अगर हमने कुछ सीखा तो सिर्फ ये सीखा कि जब बोलने का वक्त हो तो खामोश रहो और जब खामोशी का वक्त हो तो बोलना शुरू कर दो। अभी तक ये सूरत हमारी समझ में आई नहीं,